दोस्तों कोडक ब्रांड ने लॉन्च कर ली उनकी दो नई टीवीयां, एक 49 इंच की, एक 43 इंच की, और दोनों की टीवीयां फुल एचडी टीवी है। तो क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी प्राइसिंग, और क्या ये आपको वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, और क्या बाकी ब्रांड में आपको फायदा है या फिर कोडक में, सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों कोडेक की एक्सप्रो सीरीज में दो टीवी लॉन्च हुई है, एक 43 इंच की, एक 49 इंच की, और दोनों की टीवी फुल एचडी टीवी है। और टीवी की स्पेसिफिकेशन के मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टीवी है कोडेक का, सिर्फ इसको आपको टीवी में कोडेक की ब्रांडिंग देखने मिलेगी, बट इसका जो मैन्युफैक्चरर है SPPL सुपर प्लास्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अगर आपको कुछ डाउट है इसके बारे में तो आपको बताना चाहूंगा कि बाकी सब ब्रांड भी ऐसे करते हैं, जैसे JVC, ब्लॉकपॉइंट, फिलिप्स, ये सभी ने सिर्फ अपनी ब्रांडिंग देखे रखी है, बाकी इसको मैन्युफैक्चर कोई और है, तो सेम चीज यहां पे कोडेक भी फॉलो कर रहा है। दोस्तों बात कर ले इस टीवी के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आपको दोनों ही टीवी में 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएगा, इसी के साथ 3.5 mm का जैक भी दिया गया है इसी टीवी में, और 20 वॉट का स्पीकर दोनों ही टीवी में आपको देखने मिल जाएगा। कनेक्टिविटी फीचर की बात करूं तो यहां पे आपको LAN, Wi-Fi और मीराकाश का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। बात कर ली इसी टीवी के रैम के बारे में, तो इसमें 1 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज इसी टीवी में आपको देखने मिलेगा। और बात कर ली इसी टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस टीवी में आपको देखने मिलेगा, और जो एंड्रॉइड का वर्जन है वो ओल्ड वर्जन है, 7.1 नोगट दिया गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये एटलीस्ट इसमें नया होगा, लेकिन इसमें नया वर्जन नहीं है, तो इसका डीमेरिट एक सामने आपको देखने मिल रहा है इसी टीवी में। इसमें एटलीस्ट कोडेक वाले को एक लेटेस्ट एंड्रॉइड देना चाहिए था। बात कर ले इसी टीवी के ब्राइटनेस निट्स के बारे में, तो उसको 550 निट्स का ब्राइटनेस आपको देखने मिलेगा, और इसी के साथ ही साथ जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है वो डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है, और जो भी 5:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको इसी टीवी में देखने मिलेगा। बात कर ले इसी टीवी के प्रोसेसर के बारे में, तो आपको 1.5 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उस टीवी में, उसका डिस्प्ले। तो यहाँ पे डिस्प्ले जो दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा दिया, और सबसे प्लस पॉइंट मैं इस टीवी का कंसीडर करूंगा, इस पे A+ का IPS पैनल आपको देखने मिलेगा, और आपको इस IPS पैनल के थ्रू जो एक्सपीरियंस होगा, व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और दोस्तों बात कर ले टीवी के वारंटी की, तो हर टीवी की तरह इस टीवी में भी आपको 1 ईयर की वारंटी देखने मिल जाएगी। और दोस्तों ये ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी नहीं, तो इसमें आपको अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, और ये आपको स्क्रीन पे जितने सारे एप्स के नाम दिख रहे सब के सब परफेक्टली चलने वाले हैं, और इस टीवी में आपको प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे। और अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये टीवी कब मिलेगी और कहां से मिलने वाली है आपको, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मैं बताना चाहूंगा कि इस टीवी आपको 10 जून से आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट की साइट पे देखने मिल जाएगी, और वहां से आप परचेस कर सकते हो। और दोस्तों अब बात कर ले टीवी की प्राइसिंग के बारे में, तो जो 43 इंच वाली टीवी है फुल एचडी टीवी, वो आपको कोडेक दे रहा है 21,000 रुपीस की, 21,000 रुपए की, और जो 49 इंच वाली फुल एचडी टीवी है वो आपको देखने मिल जाएगी तकरीबन 25,000 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस को लेके तो मैं एकदम डिसएग्री करता हूँ कोडेक वालों से, क्योंकि मतलब फुल एचडी टीवी आज की तारीख में कौन ले रहा है। हम दुनिया 4K की तरफ बढ़ रही है, और कंटेंट में जितने भी आ रहे हैं सब 4K की तरफ हो रहे हैं, और 2019 में तो हमें 4K टीवी ही लेनी चाहिए। अगर मैं बात कर लूँ या प्राइस को मैं कंपेयर करूँ इसी टीवी से, तो यहाँ पे आपको थॉमसन 25,000 के आसपास 43 इंच की टीवी दे रहा है, 4K टीवी दे रहा है। बात करूँ दूसरे ब्रांड की, तो यहाँ पर वीयू की जो पिक्सेलाइट की सीरीज है उसमें भी आपको 43 इंच की टीवी 25,000 के आसपास मिल जाएगी। यहाँ पे JVC भी आपको 4K टीवी दे रहा है 25,000 रुपए में, तो फिर आप फुल एचडी टीवी क्यों ले। फिर भी दोस्तों आप आखिरी डिसीजन में आप पे रखता हूं, आपकी चॉइस, आपका पैसा, फुल एचडी टीवी लेना है तो फुल एचडी टीवी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप टीवी ले रहे हो तो एटलीस्ट 4K टीवी लो, फ्यूचर प्रूफ लो, क्योंकि आने वाला जितना भी कंटेंट है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सब पे 4K कंटेंट हो रहा है, जितने भी कंटेंट्स हो रहे हैं कंटेंट प्रोवाइडर सबके सब 4K में कन्वर्ट हो रहे हैं। जितने भी आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट देख रहे, धीरे धीरे 4K में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो आने वाले 2 साल के बाद फुल एचडी टीवी का डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और 4K की तरफ दुनिया तो बढ़ी रही है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, जो अगर मेरे रिकमेंडेड जो टीवी है उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आपको परचेस करना है तो वहां से आप परचेस भी कर सकते हो, और टीवी के बारे में को डिटेल में जानना चाहते हो तो वहां से आप देख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों जाते जाते कहना चाहूंगा कि MI का जो आप लोग टीवी ले रहे थे ऑनलाइन, अब वो ऑफलाइन भी शुरू हो गया, तो विजय सेल्स में से अगर आप जाके टीवी देख के अच्छे से परचेस कर सकते हो अगर आपको लेना है तो। अभी आपको अपडेट देना था कि सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी MI की आपको टीवी मिल जाएगी विजय सेल्स में,
और दोस्तों आप चाहते हैं कि जेवीसी थॉमसन और वीयू पिक्सेलाइट की टीवी के डिटेल में जाना, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे लिंक आ जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो 4K टीवी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या है स्पेसिफिकेशन, सब डिटेल आपको वहाँ पे उस वीडियो में मिल जाएगी। तो वो वीडियो जरूर चेकआउट करिए जब भी आप कोई भी टीवी ले रहे हो। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को, हमारे हैप्पी गाइड चैनल को। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड। और ध्यान रखो दोस्तों, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली में जुड़ने के लिए आपको एक भी रुपए नहीं देने पड़ते, कंप्लीटली फ्री है आप सभी के लिए। बाय बाय।